नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनावी साल में लंबित मांगों को लेकर संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश सचिवालयन कर्मचारी संघ ने 10 वर्षों से लंबित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने रणनीति बनाई है। आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि मंत्रालय बल्लभ भवन के सैकड़ों कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 10 सालों से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिससे मजबूरी वंश संघ को अब आंदोलन की राह इख्तियार करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब मंत्रालय कर्मचारी संघ राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय मजदूर संघ एवं मंत्रालय कर्मचारी संघ का गठबंधन भविष्य में मंत्रालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं वेतनमान भत्ते एवं अन्य समस्याओं के निराकरण के साथ ही मंत्रालय को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि विगत दशक से लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में प्रथमता संघ का प्रयास रहा है कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निराकरण हो सके, लेकिन अब संघ द्वारा लंबित मांगों के निराकरण के लिए भावी प्रयास एवं रणनीति का बनाई गई है, जिस पर संघ काम कर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरेगा। मुख्य जो बिंदु है वो ये अवगत कराना था कि मध्य प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ आज से जो हम घोषणा ये करना चाह रहे हैं कि भारत के सबसे ट्रेड यूनियन सबसे मजबूत ट्रेड यूनियन जो है भारतीय मजदूर संघ उससे संबद्ध हो गया है, और हम इसके लिए भारतीय मजदूर संघ के आभारी भी हैं कि इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन है उसने हमें अपने से संबद्ध किया। और निश्चित रूप से वो ट्रेड जो यूनियन है वो श्रमिक और कर्मचारियों के हित में बहुत दिनों से और 1969 के लगभग से काम कर रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तो हमें ये करना था। दूसरा ये है कि जो हमारे मंत्रालय के कर्मचारी संघ की जो समस्याएं हैं, कर्मचारी की जो समस्याएं हैं पिछले कई मतलब कोई समस्या तो 10 साल पुरानी भी है, 5 साल पुरानी भी है, और ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिससे कि शासन का कोई अधिक पैसा खर्च होना है। मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण अंग कि समस्याओं का अगर निदान नहीं हो रहा है तो ये एक संदेश प्रदेश स्तर पर गलत जाता है कि भाई वो जब वहीं की समस्या हल नहीं हो रही तो हमारा क्या होगा। तो मध्य प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ की जो ये 7-8 हमारी मांगे जो हमने महत्वपूर्ण लिख के दी है उसके निराकरण के लिए हम आगामी जो आंदोलन या धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कार्रवाई जो कर रहे हैं वो, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की मांगों के लिए हर स्तर पर मंत्री जी मुख्य सचिव अपर सचिव जीएडी और उसके बाद रमेश चंद शर्मा जो हमारे राज्य कर्मचारी रणनीति के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमने पूरी बातें शासन के समक्ष पहुंचाई है। लेकिन मुझे हमें ऐसा लगता है कि सरकार के बैठे कुछ अधिकारी उन मांगों के अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। जो मांग मंत्रालय भत्ते की मांग है हमारी, पिछले 5 साल से हमारे मूल सूचकांक के आधार पर मंत्रालय भत्ता नहीं बढ़ा, हमारे मंत्रालय की ब्रह्मसर्व समिति के आधार पर 2400 ग्रेड पे नहीं हुई, हमारे अनुभाग अधिकारी और निज सचिव का जो वेतनमान था वो कैबिनेट मतलब निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कैबिनेट में रखा जाए 2013 के बाद से अभी तक लंबित है, मतलब उसमें नगण्य है। कुछ 150-200 लोग हैं जिनको ये वेतनमान मिलना है। हमारे तृतीय समयमान स्टूडेंट आईपीएस का एक था जो कैबिनेट स्तर पर जाकर फिर रुक गया। तो हम ये चाहते हैं कि भैया हमारी अगर जायज मांगे हैं तो उन जायज मांग की सरकार शीघ्र पूर्ण करे, तो हम अपने मतलब जो अगर कार्य पूर्ण होगा तो आंदोलन से बचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मंत्रालय कर्मचारी संघ की पूरी मांगे, आवास की समस्या है, 2400 ग्रेड पे की समस्या है, इन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समस्या रखी थी आपके समक्ष हम आए हैं कि आपके माध्यम से भी शासक को यह अवगत हो कि अब हम ज्ञापन और वार्ता के बाद हम अपने आंदोलन की रणनीति शीघ्र ही घोषित करेंगे। समय सीमा तय की गई ना कि हम यह भी यह आज आपकी प्रेस वार्ता के बाद हम सभी ज्ञापनों। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।